दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hey guys, welcome back to the channel. This is Pankaj with you. Big Bash League 2020 का दूसरा मुकाबला Melbourne Stars और Brisbane Heat के बीच में खेला जाने वाला है। यानी कि एक तरफ होंगे महाप्रतापी ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल, वहीं दूसरी तरफ होंगे Big Bash के किंग क्रिस लिन। ऐसे में काफी कमाल का मुकाबला होने वाला है ये, तो आप बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ क्योंकि हम करने वाले हैं इस मैच की बात। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है पिच का हाल। तो ये जो मुकाबला है मनुका ओवल कैनबेरा में खेला जाने वाला है और यहाँ के पिच के बारे में तो आपको पता ही है, जो कि हमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए T20 मुकाबलों में देखने को भी मिला था। यहाँ पर 180 से 190 के आसपास का जो स्कोर है वो आम बात है, यानी कि इस मुकाबले में भी हमें एक हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिल सकता है। आपको बता दूं कि अब तक यहाँ इस ग्राउंड पर 5 डोमेस्टिक T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से 3 बार पहले बैटिंग करने वाली, वहीं 2 बार बाद में बैटिंग करने वाली टीम जीती है। अब बात करते हैं दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 की और इनके फॉर्म की। सबसे पहले बात करते हैं मेलबर्न स्टार्स की। तो मेलबर्न स्टार्स की टीम पिछले साल बिग बैश के फाइनल तक का सफर तय की थी और इनका प्रदर्शन काफी लाजवाब रहा था और उसी प्रदर्शन को मेलबर्न स्टार्स की टीम इस साल भी कंटिन्यू रखना चाहेगी। मेलबर्न स्टार्स की टीम में ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोनिस जैसे दो ऐसे महाप्रतापी ऑलराउंडर हैं जो कि अकेले ही खुद के दम पर अपनी टीम को मैच जिताने की और किसी भी मैच को पलटने की क्षमता रखते हैं। आपको बता दें कि पिछले साल इन दोनों का प्रदर्शन बहुत ही लाजवाब रहा था और इस वक्त ये दोनों खिलाड़ी बहुत ही अच्छे फॉर्म में भी है, इसलिए इस मुकाबले में इन दोनों के बल्ले से हमें रनों की सुनामी देखने को मिल सकती है। अगर विरोधी टीम इन दोनों से कैसे भी करके निपट भी लेती है तो इस साल इनकी टीम में खतरनाक खुखार इनफॉर्म बल्लेबाज निकोलस पूरन और अपने बल्ले के प्रहार से गेंदबाजों को कुचल कर रख देने वाले अंडर फ्लेचर भी मौजूद हैं, जिनसे पार पाने में विरोधियों के पसीने छूट सकते हैं। वैसे इनके पास बेन स्टोक्स और हिल्टन कार्टराइट जैसे खुफिया हथियार भी हैं, तो जरूरत पड़ने पर उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बात की जाए अगर इनकी गेंदबाजी की, तो इनकी गेंदबाजी की जिम्मेदारी मार्कस स्टोनिस, बिली स्टेनलेक और एडम जंपा के कंधों पर रहने वाली है। अब बात करते हैं ब्रिस्बेन हिट की। तो इनका प्रदर्शन पिछले साल कुछ खास नहीं रहा था और इस साल ये पिछले बिग बैश में किए गए अपनी गलतियों को सुधार कर एक अच्छी शुरुआत करने के इरादे से उतरेंगे। ब्रिस्बेन हिट की ताकत हमेशा से ही इनकी बल्लेबाजी रही है और वो भी क्यों ना, क्योंकि इनके पास बिग बैश का सम्राट क्रिस लिन जो है, जी हाँ, आपको बता दें कि क्रिस लिन बिग बैश में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और वो जब भी कभी खेलते हैं, उनका बल्ला जब भी कभी चलता है तो फिर समझो कि गेंदबाजों की सामर्थ्य आ जाती है और मनुका ओवल जैसे बैटिंग विकेट पर तो क्रिस लिन का तूफान हमें एक बार फिर से देखने को मिल ही सकता है। क्रिस लिन के अलावा ब्रिस्बेन हिट की टीम में जिमी पियर्जन, टॉम कूपर और मैक्स ब्रांड जैसे खतरनाक और आक्रामक बल्लेबाज मौजूद हैं जो किसी भी गेंदबाजी क्रम की धजिया बिखेरने की क्षमता रखते हैं। बात की जाए अगर इनकी गेंदबाजी की, तो इस बार ब्रिस्बेन हिट की बॉलिंग लाइनअप भी काफी जबरदस्त नजर आ रही है। जी हां, इस बार इनकी गेंदबाजी की जिम्मेदारी बेन लॉफलिन और मॉर्नी मोरकल जैसे क्वालिटी ऑफ बॉलर के कंधों पर रहने वाली है। वहीं स्पिन डिपार्टमेंट में इनके पास मिचेल स्वेप्सन जैसा तुर्क का इक्का भी मौजूद है। अब बात करते हैं हेड टू हेड बैटल्स की। तो अब तक इन दोनों टीमों के बीच 12 हेड टू हेड मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से 4 बार मेलबर्न स्टार्स को जीत मिली है, वहीं 8 बार ब्रिस्बेन हिट ने अपना परचम लहराया है। अब बात करते हैं एक्स फैक्टर्स की। तो मेलबर्न स्टार्स की तरफ से निक लैरकिंग इस वक्त बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और वो एक्स फैक्टर का रोल प्ले कर सकते हैं। वहीं ब्रिस्बेन हिट की तरफ से खतरनाक खुखार बिग बैश के किंग क्रिस लिन एक्स फैक्टर का रोल प्ले कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी टीम साबित होगी दमदार, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप इस मैच से जुड़ी ज्यादा जानकारी चाहते हो, इस मैच को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हो, तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो मेरे एनालिसिस के अनुसार पिछले साल की रनर अप मेलबर्न स्टार्स की टीम ये मुकाबला जीत सकती है। जी हाँ, अगर आपको भी लगता है कि मेलबर्न स्टार्स ये मुकाबला जीत सकती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और अगर आपको लगता है कि ब्रिस्बेन हिट ये मुकाबला जीत सकती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ मिलकर क्रिकेट के मजे लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। धन्यवाद।